محمد وعلى آل محمد الصلوات صلي على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. غضب الله العلي العظيم. منافرت
और दिल आजारी के काम हुए और उन्हें बढ़ावा देने वाले गैर जिम्मेदारों ने अपना मनफी किरदार अदा किया। हम इस मजमूई माहौल को नापसंद करार देते हैं और इत्तेहाद उम्मत वहदत उम्मत पर अकीदा रखते हुए और इसे हमारी कोई किसी तरह की दोहरी पॉलिसी तसव्वुर किए बगैर हम अकीदा रखते हैं इत्तेहाद उम्मत का और इस अकीदे पर इस मुल्क में वहदत उम्मत की खातिर हमने बहुत सी कुर्बानियां दी। तमाम फुकहाए इमामिया फतवा दे चुके हैं, उनका फतवा मौजूद है और हम उस फतवे पर कारबंद रहे और रहेंगे कि मुसलमा इस्लामी मसालिक के मुकद्दसात की तौहीन करना शरण जायज नहीं है। लिहाजा हम मुकद्दसात की तौहीन करने वालों से अमलन लातालुक रहे। अलबत्ता शियाने हदर कर्रार पाकिस्तान किसी मसलक के अकायद को जो खुद उनके नजदीक मुसलम न हो तस्लीम करने के पाबंद नहीं और अपने मुसलमा अकायद पर अमल करने का कानूनी और शरई हक रखते हैं। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर जामे और बेहतर पॉलिसी मुरतब करने के लिए मिल्लत जाफिया की जानिब से आल कराची उलमा इमामिया इमा जुमा जमात मजाकिरीन अहले बैत का कन्वेंशन बरोज़ हफ्ता मुवक्का 5 सितंबर 2020 में मकाम कोजानी हाल सोल्जर बाजार कराची मुनाकिद करने का ऐलान करते हैं। हम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहतरम इमरान खान और पाक फौज के सरबराह जनाब मोहतरम जनरल अमर जावेद बाजवा साहब से अपील करते हैं कि इश्तियाल अंगेजी यक तरफा बिला जमानत गिरफ्तारियां इज्तमात को मुनाफरत के लिए इस्तेमाल करना और सोशल मीडिया पर आजादाना और नामुनासिब अंदाज से इख्तलाफात को हवा देने वालों पर तवज्जो दें। नेज मगरबी ममालिक में कुरान सोजी और हजरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज खाकाबंदी शदीद गम और गुस्से और हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। हम शदीद अल्फाज में इस नामुनासिब हरकत की मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से सिफारती अंदाज से इस मसले पर तवज्जो का मुतालबा वसलाम और कराची के अहम तरीन आई जमात और जुमा और शख्सियात जो यहाँ तशरीफ फरमाए। अगर हमारी गुफ्तगू से मुतालिक कोई सवाल हो तो वो भी आप फरमाएंगे और मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना बाकर अब्बास जैदी साहब से कि वो इस गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू फरमाएं। जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है वो आपके सामने है और हमने ताकीदन ये बात कही है और फिर कहते हैं कि किसी के अकीदे को छोड़ो मत और अपने अकीदे को छोड़ो मत। अब इन हालात में वहदत उम्मत के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे और जाहिर है कि जो अनासिर पाकिस्तान में बैरूनी ताकतों के इशारों पर इंतशार फैलाने में लगे हैं खुसूसन अमरीका और इसराइल और हिंदुस्तान और वो अरब ममालिक जो इसराइल को या कबूल कर चुके हैं जाहिरन या बातिनन या करने वाले हैं वो पाकिस्तान में एक इंतशार की कैफियत ईजाद करना चाहते हैं और उनके मकासद पाकिस्तान में जो भी हो जो जाहिर तौर पर और आसान नुकसान पाकिस्तान को पहुंचने वाला है इन
हालात से ये मुनाफरत जो फैलाई गई है, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो लिसानी और कौमी हो, चाहे वो सियासी बुनियादों पर इंतशार हो, पाकिस्तान में एक हद तक नज़र आता है ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करेगा और दुश्मन यही चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो अफरा तफरी का शिकार हो। और उनके लिए ये जो इस तरह की इश्तहार अंगेज कैफियत है पूरे पाकिस्तान इस वक्त है, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक और बिना जवाब की गिरफ्तारियाँ, ये मायूसी भी पैदा करता है और इंतशार भी पैदा करता है। ये दुश्मन के हक है, हम चाहेंगे तमाम अहल हदब से, चाहे वो बसीरत लोग मकतब तशय्युज़ से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो मकतब अहल सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो इदारे हों, उन्हें इन हालात में बहुत दकीक निगाह से तज़िया करना चाहिए और इन हालात को एक ऐसी हद तक पहुँचने नहीं देना चाहिए कि जिसके बाद जो है ये कंट्रोल से बाहर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुस्तकबिल में आने वाले मसाइल को मिलकर हम हल कर सकें। बहुत शुक्रिया।
हाशमी साहब, मौलाना बाकर अब्बास ज़ैदी साहब और तमाम हाजिर उलमाए किराम की जानिब से आप तमाम शुरका मुख्तलिफ रसानों के नुमाइंदगान का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क की खैर सलाह, बेहतरी और अमन अमान की खातिर आप हम सुन्नी शिया हर तबका फिक्र मुमलिकत का अपना मुस्बत किरदार अदा करें। सवाल फरमाए नहीं, हम पाकिस्तान को सालम और अमन कर देखना चाहते हैं और हमारी तरफ से अभी कोई ऐलान किसी धरने किसी रैली का नहीं है। अलबत्ता मामूल को देखकर, हालात को देखकर हमारी जो क़यादत है, ये भी आप पर वाज़े कर दूँ कि आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज का ये इजलास जिसमें आपको सहमत दी कि कायदे मिलत जाफ़ी अलामा सैयद साजिद नकवी और कायदे वहदत इस्लामिया हज़रत अलामा राजा नासिर अब्बास रहमतुल्लाह की तायीद से और उनके मुशावरत के बाद ये इजलास मुनक़िद हुआ है। और अगर खुदा नखास्ता मुल्क को किसी ऐसी तरफ ले जाएंगे हमें तंग आमद बेजंग आमद, तो हमारी जो मुल्की सतह के शख्सियात हैं उनसे मशवरों के बाद उनको लाजा मन तय करेंगे। अगरचे हम कानूनी रस्ते को अपनाना और कानून के रख से अपने हुकूम को हासिल करना इसे औलवियत देते हैं, इसे अहमियत देते हैं और इंशाल्लाह इसी रस्ते से हर शहरी को अपने हुकूम नसीब होते रहे। आज गुफ्तगू हुई है हमारी, ये तमाम बड़ी शख्सियात हमारे मुल्क की शख्सियात आपस में तमाम आंदी हैं रबते में हैं और एक दूसरे से इंशाल्लाह मुशावरत का अमल मुकम्मल करने के बाद अगरचे हम तवक्को करते हैं, सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत ना पड़े, एक कोई मुल्क पीर कोई मसला बने और अगर खुदा खासा ऐसा होता है तो फिर मुल्क की सतह पर कोई कार्य अमल तय किया जाए। हम देखें कि यूरोप और खासतौर पर फ्रांस में जब एक नई बहस छिट गई है के बातों के ऊपर, क्या आप उसकी मदद करती हैं? हमने अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आखिर में मैं उसको दोबारा तकरार कर रहा हूँ कि मगरबी ममालिक में कुरान सोजी और हज़रत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज़ खाका बंदी की शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से सिफारती अंदाज में इस मसले पर तवज्जो का मुतालबा करते हैं और हमने आइंदा आने वाले जुमे पर यानी कल हमने पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस और बिलखस सिंध के तमाम जुमा इज्तमाहात को इस मजमूम हरकत के खिलाफ एहतजाज के उन्वान से मुनद्दिद करने का ऐलान किया है। ऑफिस आऊँगा 8 बजे तक। एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया, अल्लाह आपकी तौफीक आज़माता है।